बरेली के पौश इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चैन तोड़ ली और फरार हो गए। वारदात के बाद दोनों बदमाश भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आबकारी दरोगा अरविंद कुमार तिवारी अपने परिवार के साथ बरेली में अयूब खां चौराहे के पास रहते हैं। फिलहाल उनकी तैनाती वर्तमान में गोरखपुर में है, लेकिन इन दिनों वो अवकाश पर घर आए हुए हैं। उनकी पत्नी कमलेश तिवारी सुबह के वक्त टहलने के लिए निकली थी और चौकी चौराहे से होते हुए वापस जा रही थी। इसी दौरान पंजाब नेशनल बैंक के पास बाइक पर दो बदमाश आए और उनके गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। वारदात के बाद कोतवाली इंस्पेक्टर डी के शर्मा और उनकी टीम ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इनसे बात न बनी तो स्मार्ट सिटी के कैमरों की भी मदद ली। इसमें आरोपियों की कदकाठी से लेकर कुछ हद तक चेहरे भी पहचान में आ गए हैं। नंबर प्लेट हटा रखी थी। पता लगा है कि चौपला पुल और किला रोड होकर ये आरोपी कर्मचारी नगर की ओर गए हैं।